नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 25 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से जी दोस्तों यह समय से आपके जन्मकाल में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से कई बड़े चमत्कार होने वाले हैं। जी दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय सोमवार का दिन होगा और ज्योतिष शास्त्र में सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन है और यश में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जन्म में कई सारे समस्याओं का अंत होने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यश में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के लिए कई प्रकार के उपहार लेकर आते हैं, उनके जीवन में कई बड़े चमत्कार करते हैं जिनसे उन्हें लाभ प्राप्त हो। और यश में भी आपके जीवन काल में भगवान भोलेनाथ कई बड़े से चमत्कार करने वाले हैं जिन्हें जानकर आप बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से यश में आपको कार्य क्षेत्र में कोई शुभ संकेत मिलने वाले हैं जिनसे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। घर के माहौल में भी आपकी सारी आर्थिक तंगियाँ दूर होने वाली है और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी। आपको बता दें, जिन्हें लेकर आप परेशान रहते थे वह कार्यों में इसमें आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में भी आपका नोक झोंक खत्म होने वाले हैं क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके प्रत्येक क्षेत्र में कुछ ऐसी ही शुभ स्थिति बनने वाली है जिन्हें देखकर आप बिल्कुल ही चौंक जाएंगे। यूँ कहें तो यश में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। यश में दोस्तों आपका दायित्व होता है कि इन सभी समयों का सदुपयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़ें। जय दोस्तों, तो दोस्तों यश में आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि बदलते घरों के चाल के साथ साथ यश में भी आपको एक दो से कार्य होंगे जिन्हें करने से बचने होंगे। तो दोस्तों यश में आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में क्या क्या चमत्कार होंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिख देगा गुरु जी का और भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में दिन की शुरुआत बहुत ही सकारात्मक विचारों से करें। व्यक्तिगत और आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने संबंधी महत्वपूर्ण योजनाएं भी यश में बन सकती है। दोपहर बाद आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी यश में हासिल होने वाली है। दोस्तों यश में आपको बता दें कि बच्चों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करने में उनकी खुशी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो दोस्तों इन पर आपको ध्यान देना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में कभी कभी आप आलस के कारण काम को टालने की कोशिश भी कर सकते हैं। कोई अप्रिय और अशुभ समाचार मिलने से उसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ सकता है। दोस्तों यश में अपना मनोबल को बनाकर रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। आपको बता दें कि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि निर्णय लेते समय यदि कन्फ्यूजन बढ़ रहा हो तो दोस्तों अपने विचारों को लिख कर क्लैरिटी प्राप्त करना आपके लिए बेहतर होगा। और इसके उपरांत दोस्तों पिता के प्रति जो है बढ़ते रोष को कम करने की आप कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों लोगों की गलतियों को माफ़ करना और रिश्तों को निभाना आपको इसमें सीखना होगा। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए इसमें होंगे, आपको बता दें किसी दीर्घकालिक लाभ की योजना पर कार्य शुरू हो सकता है। पिछले कुछ समय से चल रही किसी चिंता का समाधान भी मिलने से मानसिक शांति भी इसमें आपको प्राप्त होंगी। आपको बता दें कि दोस्तों कामकाज तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना आपके लिए इसमें चुनौती रहेगी, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहेंगे तो यह आपके लिए आसान भी होगा। परंतु दोस्तों आप सब कुछ सुनियोजित भी तरीके से कर पाएंगे और इनमें आपको अच्छे सफलता भी हासिल होंगी। आपको बता दें कि दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे अपने ही कुछ नज़दीकी लोग
आपके लिए बनते कार्यों में कुछ रुकावट या फिर अवरोध डाल सकते हैं। तो दोस्तों इन लोगों से आपको इसमें सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि यश में चिकनी चुपड़ी बातों में आप ना आकर अपनी दिनचर्या पर, अपने कार्यों पर अपने ध्यान को केंद्रित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही आपको खुद पर ही यश में विश्वास रखने की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि किसी निकट संबंधी के साथ बात विवाद होने से जो है आपको मानसिक कष्ट भी होगा। तो दोस्तों यश में आपको अपने जो भी निकट संबंधी व्यक्ति है या फिर अपनों से इसमें दूरी बनाकर रखना आपके लिए इसमें बेहतर रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए होंगे, आपको बता दें कि अपनी सेहत की तरफ लापरवाह रहना आपके लिए तकलीफदायक साबित होगा। दोस्तों इसमें भागीदारी के लिए जो भी किए हुए काम है उनके द्वारा आपको नुकसान होने की शंका लग रही है, इसलिए दोस्तों इसमें इनसे आप दूर रहें। इसलिए दोस्तों इसमें आप नए कामों की शुरुआत भागीदारी में ना करें, ये भी आपके लिए बेहतर होगी। करीबी व्यक्ति द्वारा आपको पेशे के मामले में फंसाया भी जा सकता है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसमें व्यवहार करते समय आपको सतर्कता रखनी चाहिए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप फैसले इसमें लेंगे, उनमें आपको इसमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि दोस्तों ये आपके भविष्य के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपको बता दें कि कुछ समय से चल रही उबाऊ दिनचर्या से आपको राहत भी प्राप्त होगा और आप यश में आराम और शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे दिन का आनंद भी ले पाएंगे। दोस्तों पुराने मित्रों से मुलाकात होगी तथा किसी लाभदायक मुद्दे पर भी विचार विमर्श यश में हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों कभी आपका ध्यान कुछ गलत प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित भी हो सकता है, इसलिए दोस्तों ज्ञानवर्धक तथा उत्तम साहित्य पढ़ने में अपना समय व्यतीत करें। आपको अपने जो है संकलानु स्वभाव में भी बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपको बता दें कि अपने विचारों को सकारात्मक कार्यों की तरफ केंद्रित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इनसे दोस्तों आपके मन में और आपके जो है अंदर सकारात्मक विचार आएंगे, इनसे दोस्तों आप सभी कार्यों को, सभी समस्याओं को जो है हल कर सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों जिन लोगों के साथ मतभेद हो रहे थे, दोस्तों वह लोग जो है खुद ही आपके ऊपर मतभेद को खत्म करने की कोशिश करेंगे और आपसे दोस्ती भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों इसमें उनसे आपको सावधान भी रहने की आवश्यकता होगी। आपको ऐसा निर्णय भी लेंगे जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। संतान की तरफ से कोई भी चिंता दूर होने से घर का माहौल भी खुशनुमा बना रहेगा। साथ ही दोस्तों इसमें आपको अपने क्रोध व फिर जीत पर नियंत्रण रखना चाहिए, इसका असर आपके पारिवारिक व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। दोस्तों विद्यार्थियों का ध्यान जो है भौतिक गतिविधियों पर भी लगने से पढ़ाई में विघ्न पड़ेगा, इसलिए दोस्तों मेडिटेशन तथा योगा द्वारा अपने अंदर एकाग्रता लाने का प्रयास करें। किसी प्रकार के गैर कानूनी काम से इसमें आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें परिवार के साथ रहना और उनसे दूर रहना, दोनों बातें आपके लिए तकलीफदायक रहेंगी। दोस्तों आपको बता दें कि यश में खुद की भावनाओं को काबू में रखकर इमोशनल मैच्योरिटी लाने की आपकी आवश्यकता होगी। दोस्तों आपको बता दें कि जिसके द्वारा जीवन में आपको क्या अपेक्षित है, ये बातें पता भी चलेंगी और उसी से संबंधित निर्णय लेना भी आपके लिए इसमें आसान रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में ग्रह स्थिति पूर्णतः आपके पक्ष में होगी। चुनौतीपूर्ण कार्यों में आज में आपको सफलता भी मिलेगी और दोस्तों जो है पुष्य नेति व्यवसाय में अपनी ऊर्जा को लगाने से बेहतरीन परिणाम भी इसमें सामने आएंगे। दोस्तों नौकरी पेशा लोगों को काम की अधिकता की वजह से कार्यालय में जो है काम करने की आवश्यकता पड़ सकती है या फिर दोस्तों आपको इसमें ओवर टाइम भी कार्यालय में करनी पड़ सकती है। दोस्तों यश में प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में निवेश करने के लिए जो समय होंगे उत्तम समय होंगे, इनमें आप कार्य कर सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों किसी पार्टी के साथ नवीन कार्यों को शुरू करने संबंधी महत्वपूर्ण बातचीत भी हो सकती है जो कि फायदेमंद साबित होंगी। सेल्स टैक्स, आयकर आदि से संबंधित समस्याओं का समाधान आपके पक्ष में होगा। दोस्तों ये जो समय है आपके लिए व्यापार में विस्तार के लिए मार्केटिंग पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। दोस्तों प्राइवेट नौकरी में लक्ष्यों को पूरा करने का दबदबा भी आपके ऊपर रह सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यावसायिक गतिविधियाँ धीमी चलेंगी और इनके बावजूद भी आप योग्यता और मेहनत के द्वारा अच्छी सफलता को हासिल करेंगे और इनसे आप आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाकर रखेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों इसमें पारिवारिक सदस्यों के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेना आपको बहुत ही खुशी प्रदान करेगा और उनको भी।
दोस्तों युवाओं के लिए प्रेम संबंधों में प्रगढ़ता आने वाली है और इसको प्रणा दोस्तों यशु में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों पारिवारिक सुख शांति कायम रहेंगी, परंतु प्रेम संबंधों में जो भी समय है व्यर्थ ना करें। दोस्तों इसमें आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसको प्रणा दोस्तों यशु में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों घर की छोटी छोटी बातों को तूल ना दें, इससे दोस्तों संबंध बेहतर रहेंगे। युवाओं के प्रेम संबंधों में और भी पड़गाड़ आने वाली है, यानी दोस्तों प्रेम संबंधी आपके इसमें मधुर होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपके हेल्थ की, तो दोस्तों इसमें आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि सर्दी का असर आपके मनोबल और कार्यक्षमता पर पड़ सकता है, तो दोस्तों मौसमी परेशानियों से अपना बचाव अवश्य करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके कार्यस्थल के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपकी व्यवस्थित दिनचर्या आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी। कुछ समय जो है मेडिटेशन व फिर योगा के लिए जरूर निकालें, ये आपके लिए इसमें बेहतर रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि काम काज में अत्यधिक मेहनत व फिर परिश्रम की वजह से आप अपना स्वास्थ्य खराब भी कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों उचित आराम के लिए भी समय अवश्य निकालें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों पर ध्यान दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ही बेहतर होंगे।